हाय फ्रेंड्स, हमारे पास जियो का फ़ोन आया है जिसमें सिम कार्ड नहीं पकड़ता है। ऐसा ऐसा अगर प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना है सिम कार्ड बराबर है कि नहीं। सिम कार्ड अगर नहीं पकड़ता है तो हमें ये चेक करना है कि सिम कार्ड बराबर है कि नहीं। फ्रेंड्स देखिए, ये कार्ड है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो सिम कार्ड का लोगो है वो हमें किस तरह देखना है, किस तरह है वो देखिए। पहले देखो, सिम कार्ड का लोगो जो उल्टा है और इसमें ये जो सिम है ये उल्टा लगाया है, तो हमें इसे पहले सिम कार्ड को सीधा लगा देना है। देखिए फ्रेंड, सिम कार्ड का यहाँ पे लोगो बना हुआ है। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे सिम कार्ड का लोगो बना हुआ है। सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड का भी लोगो देखो यहाँ बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हमें सिम कार्ड लगाना है, मेमोरी कार्ड लगाना है, तो उस जिस तरह दिखता है सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड, आपको प्लीज़ उस तरह ही लगाना है। अगर आपने उल्टा लगाया तो सिम कार्ड नहीं आएगा। सेकेंड, ये सिम कार्ड को हमें हमारे घर पर जो थिनर होता है, थीनर जिससे नाखून पॉलिश निकालते हैं, उसे थोड़ा सा लेना है और इसे किसी लगाकर किसी कपड़े पे ऐसा साफ करना है, जिससे कि फ्रेंड्स इस पर जो कार्बन जमा रहता है उसके कारण भी सिम कार्ड कभी नहीं पकड़ता है, जिसके कारण आपका सिम कार्ड नहीं पकड़ता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी सिम कार्ड का प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह थीनर से साफ़ कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर मेमोरी कार्ड नहीं पकड़ता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले नंबर मेमोरी कार्ड को निकालना है और इसके जो वहाँ पर जो ये जो पार्ट्स है उसे भी हमें साफ़ करना है थीनर से। घर पे जो हमें नाखून पॉलिश को निकालते हैं उसे इसे साफ करना है। साफ करके हमें क्या करना है? इसे मोबाइल लगाने जाना है। और फ्रेंड्स, हमें देखना है कि पहले ये लगा कैसे है, उसी तरह लगाना है। इसे अपोजिट उल्टा लगाएंगे तो सिम नहीं पकड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर थर्ड प्रॉब्लम आता है, थर्ड प्रॉब्लम फ्रेंड हमें ये आता है कि अगर हमने थीनर से भी साफ किया ये तो भी अगर नहीं चालू होता है तो हमें इस सिम को गैलरी के मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। इसे रिप्लेस करने का 25 रुपीज़ गैलरी वाला लेता है, एयरटेल का, वोडाफोन, आइडिया, जियो और जो भी, अगर कोई भी सिम हो उसे रिप्लेसमेंट कराना है तो फ्रेंड्स इसे बदलने का 25 रुपीज़ गैलरी वाला लेता है, कोई भी गैलरी वाला। और फ्रेंड्स, फिर आपका सिम चालू हो जाएगा और तुरंत चालू करके देगा, 10 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट में आपका सिम कार्ड चालू हो जाएगा, जिससे आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, कभी भी अगर सिम कार्ड ना पकड़े तो फर्स्ट घर में जो बारिश निकालने वाला जो थीनर होता है, मैं मिलता है 10 रुपये और 20 रुपीज़ का आता है, उसे लेकर सिम कार्ड की इधर लगाएं या मेमोरी कार्ड की यहाँ पे लगाएं। मेमोरी कार्ड नहीं पकड़े और फ्रेंड अगर मेमोरी कार्ड में अगर प्रॉब्लम है तो फिर मेमोरी कार्ड वाले को जो होता है उसे भी इसी तरह साफ कर दिया करो, जिसके कारण वो और कपड़े में पोंछ लो, जिससे कि वो अंदर जो डस्ट लग गया, जिसे बोलते कार्बन बोलते हैं, या बहुत टाइम हो जाता है तो जूना हो जाता है, जहाँ पे थोड़ा जंग लग जाता है मूर्छा, तो उसे छुड़ाने के लिए हमें इस थीनर मार्केट में 10 रुपये मिलता है, थीनर लगा कर और मोबाइल लगाओ, वापस आपका सिम चालू हो जाएगा। कोई फ़ोन हो, एंड्रॉयड या हो या आईफोन या वीवो ओप्पो MI, कोई भी फ़ोन हो उसमें सिम नहीं पकड़ता है तो इसको थीनर से साफ़ कर लीजिए। मेमोरी कार्ड वाले उसे थीनर साफ कीजिए तो आपका कनेक्शन लग जाएगा। सेकेंड, अगर फ्रेंड्स चेक कीजिए कि वो बराबर लगाया ना, अगर आपने उल्टा लगाया तो भी नहीं पकड़ेगा। थर्ड, दूसरा, तीसरा फ्रेंड्स, थर्ड फ्रेंड्स गैलरी में जाकर आप इसे सिम कार्ड को चेंज करा लो, जिसे 25 रुपये लेगा और आपका सिम कार्ड चेंज करके तुरंत दे देगा, 10 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 10 मिनट में आपको सिम चेंज कर देगा। देखो फ्रेंड्स, सिम कार्ड पकड़ने लगा जिससे हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अगर कोई भी उल्टा सिम लगाता है तो फ्रेंड हमें तीसरा 25 रुपये गैलरी लेकर हमें हमारा बदल के दे दे, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं। अगर सिम कार्ड गुम गया मोबाइल गुम गया
या कुछ भी पता सिम में, तो आप 25 रुपये में लेते हो। सेकेंड मेमोरी कार्ड में अगर प्रॉब्लम, मेमोरी कार्ड बदल सकते हो। और अगर फ़ोन में प्रॉब्लम रहा तो फ्रेंड्स फ़ोन में मोबाइल वाले के पास जाकर अपना फ़ोन ठीक करा सकते हो।